नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्रि आपको किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है, माँ दुर्गा हम सब के घर आ गई हैं। यूँ तो माता रानी की पूजा हम हमेशा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय इनकी की गई पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। सच्चे मन से की गई पूजा शुभ फल देती है, लेकिन केवल माता रानी की आराधना करना काफी नहीं, आपको उसके साथ कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी देवी देवता आपके घर तभी आता है जब आप उनके आने की तैयारी अच्छे से करें, सब कुछ नियमानुसार करें। नवरात्रि के समय पूरे 9 दिन तक एक कठिन साधना की जाती है। मान्यता है कि यदि इन पूरे 9 दिन माता रानी की पूरे सच्चे भाव से पूजा की जाए, आराधना की जाए, तो वे अपने बच्चों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। उनके जीवन के सभी दुख संकट हर लेती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में बहुत सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है ताकि माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न हो। आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्रि आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी, और यदि आप पहली बार ये व्रत करने जा रहे हैं तो कैसे घट की स्थापना करते हैं, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत में पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उनका सुमिरन किया जाता है, भक्त 9 दिन तक उपवास रखते हैं। माता दुर्गा की पूजा में साफ सफाई का बहुत ही विशेष महत्व है, इसलिए सबसे पहले घर की अच्छे से साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। घर में पड़े सभी बेकार की चीजों को हटा दें, पूरे घर को अच्छे से साफ करें, घर की दीवारों से लेकर सभी सामानों को साफ कर दें, सब जगह से मकड़ी के जाले हटा दें, पूरे घर को पानी से धोएं, और जब घर अच्छे से साफ हो जाए तो घर में हर जगह गंगा जल का छिड़काव कर दें। इससे आपके घर में पूरी तरह शुद्धि हो जाती है। जब तक आप घर की अच्छे से पूरी तरह सफाई कर दें, घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें, उसके बाद आप नवरात्र की सभी पूजा सामग्री को घर में ला सकते हैं। आप सभी पूजा के सामानों को देख कर लाएं, साथ ही व्रत के भोजन के लिए कुट्टू का आटा, समा के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवा, मूंगफली आदि जैसी चीजें पहले ही मंगाकर रख लें और अपने व्रत के समय उनका उपयोग करें। ऐसा करने से आपको व्रत के समय भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए पहले ही सब सामान लाकर रख दें। यदि आप नवरात्रि में घट यानी कि मिट्टी के घड़े की स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी अच्छे ज्ञानी पंडित से शुभ मुहूर्त का पता कर लें और उनसे पूछकर इसकी स्थापना करें। घट स्थापना के समय आप दिशा का ध्यान जरूर रखें, इसे घर के ईशान कोण में ही स्थापित करें। घट स्थापित करने से पहले उस जगह को अच्छी तरह से साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें, उसके बाद ही घट स्थापना करें। घट में आपको सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, उसके बाद जौ डालें और तब इससे उसकी पूजा करें। चौकी पर आपको एक लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है और माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित कर उन्हें एक लाल चुनरी उड़ा दें। एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपर लाल मौली बांध दें। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दूर्वा घास डालें और कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें।
उस पर नारियल को लाल चुनरी से लपेट कर रख दें। उसके बाद कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना पूरी करने के बाद माँ की पूजा करें। यदि आप अपने घर में घट की स्थापना कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको नियमित रूप से इसके सभी नियमों का पालन करना होगा, कहीं भी कोई भूल चूक ना हो। आपको नवरात्रि के पूरे दिन माता रानी की पूजा करनी है। पूजा के वक्त कलश पूजन अवश्य करें। उसके साथ घर में ज्वार भी बोएं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके साथ ही आपको घर में अखंड दीपक अवश्य जलाना है, इसे आपको बुझने नहीं देना है। नवरात्रि के 9 दिन पूरा होने तक इसे जलता रहना चाहिए। यदि आपके यहाँ घट की स्थापना नहीं होती है, तो भी आप अखंड दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए उनकी पूजा में लाल रंग की वस्तुओं का उपयोग ही करें। जब आप कलश की स्थापना करेंगे, तो ध्यान रखें कि आपको चौकी पर लाल रंग का ही वस्त्र बिछाना है। काले वस्त्र का भूल कर भी उपयोग न करें। वही माता रानी को लाल रंग की चूड़ी, बिंदी, फूल, रोली चढ़ाएं, साथ ही लाल रंग की चुनरी उन्हें उढ़ाएं। माता रानी को पूरा 16 श्रृंगार कर सामान उनको चढ़ाना है। साथ ही आप सामान ऐसा चढ़ाएं जिसे नवरात्र के बाद स्वयं उपयोग कर सकें। शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाने से पति के जीवन के सभी संकटों का अंत होता है। यदि आपने घर में घट की स्थापना की है या अखंड दीपक प्रज्वलित किया है, तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। हर समय घर में किसी न किसी एक व्यक्ति को जरूर रहना चाहिए। नवरात्रि के समय घर अकेला होना अशुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत ही विशेष महत्व होता है। स्वास्तिक चिन्ह को न केवल अपने घर में, मंदिर में, बल्कि हर जगह बनवाना बहुत शुभ होता है। नवरात्रि के समय आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर स्वास्तिक चिन्ह बना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए उनके आने से पहले आपको उनके स्वागत के लिए घर के दरवाजे पर तथा घर के मंदिर और माता की चौकी के स्थान पर भी स्वास्तिक चिन्ह बना देना चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। सूर्य भगवान को जल अवश्य दें। नवरात्रि के दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन माता रानी के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। माता रानी में बहुत शक्ति है। उनके जाप के उच्चारण से आपको शक्ति और उनका आशीष मिलता है। साथ ही सुबह शाम पूजा करते समय माँ दुर्गा की चालीसा या सप्तशती का पाठ अवश्य करें, उनकी आरती करें। दोस्तों, अगर आपके पास पूरी सप्तशती पढ़ने का समय नहीं है, तो सप्तशती का चौथा अध्याय जरूर करें। सिर्फ चौथा अध्याय पढ़ने से ही सप्तशती के बराबर फल मिलने का योग होता है। घर में आरती करने से शुद्ध और सकारात्मक वातावरण स्थापित होता है। यह कार्य आपको जरूर करना है, आपका व्रत हो या ना हो। नवरात्रि में न केवल पूजा पाठ बल्कि रंगों का भी विशेष महत्व होता है। न केवल पूजा के समय बल्कि स्वयं भी आप नवरात्रि के दिनों में लाल या पीले या हल्के रंग के वस्त्रों को पहने। भूल कर भी काले रंग का वस्त्र न पहने। यह रंग शास्त्रों के अनुसार अशुभता का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिनों यदि आप माता रानी की आराधना कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको स्त्री का भी पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक माँ स्वयं नारी है, इसलिए स्त्री का सम्मान बहुत जरूरी है। दोस्तों, स्त्री का सम्मान तो हमें हमेशा ही करना चाहिए, पर नवरात्र में इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार
माता रानी उसी की पूजा स्वीकार करती हैं, जो स्त्री को पूरा आदर सम्मान देता है। उनसे माँ दुर्गा के साथ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं, वे उनके घर आ जाती हैं। घर में शांति बनाए रखें, सभी लोग आपस में प्रेम भावना के साथ रहें और आपस में प्रेम से ही बात करें। नवरात्रि के 9 दिन तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। आपको इन दिनों किसी भी तरह का गलत विचार या भावना को मन में लेकर नहीं आना है। मन और विचार दोनों को बिल्कुल शुद्ध रखें, अच्छा रखें। किसी की भी बुराई या चुगली ना करें, किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी का दिल दुखाएं, चाहे व्रती हो या कोई अन्य व्यक्ति। सभी को इन 9 दिनों तक मन के विचारों को सकारात्मक और सात्विक रखना चाहिए, तभी उसे व्रत पूजा का पूरा फल मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग बिस्तर पर ही सो जाते हैं, तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार यदि आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो पलंग पर या चारपाई पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रती को पूरे 9 दिनों तक जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। यदि आपके साथ दिक्कत है तो आप चौकी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पलंग या खाट पर ना सोएं। नवरात्रि के दिनों में जो भी व्यक्ति पूरे 9 दिन सच्चे भाव से माता रानी का व्रत रखता है तो माँ दुर्गा उससे प्रसन्न हो जाती हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। वहीं जो व्यक्ति व्रत करने में असमर्थ है तो वह केवल पूजा भी कर सकता है, लेकिन आपको सभी नियमों का पालन वैसे ही करना होगा। घर में केवल सात्विक भोजन ही बनाएं, किसी भी तरह के तामसिक भोजन को घर में ना लाएं, मांस मदिरा या शराब का सेवन ना करें। घर से प्याज और लहसुन आदि तामसिक भोजन से भी परहेज करें, उसे घर से हटा दें और पूरा सात्विक आहार रखें। व्रतियों को अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ ही करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य को दिक्कत हो। दोस्तों, आगे क्या वीडियो देखने से पहले मेरी आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़ा हो या बच्चा, उसे नवरात्र के समय भूल कर भी ना तो बाल कटवाने चाहिए ना ही नाखून। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपनी दाढ़ी बनवा लें, बाल नाखून इत्यादि काट लें। यह काम आप सर्वपित्र अमावस्या समाप्त होते ही निपटा लें, अन्यथा प्रतिपदा तिथि लगने के बाद आपको ये काम निपटाने का मौका नहीं मिलेगा। नवरात्रि के दिनों में घर आए अतिथि अथवा भिक्षु का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी इनका अपमान न करें, लेकिन नवरात्रि के समय आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्रत के समय आपके घर आए अतिथि से लेकर भिक्षु तक का अपमान करना माता रानी को रुष्ट कर देता है, इसलिए इनका अपमान करने से बचें। इसकी जगह उन्हें पूरे आदर के साथ भोजन कराकर विदा करें, माता रानी इससे प्रसन्न होती हैं। साथ ही नवरात्रि के दिन मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए, इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करें। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माँ जगदम्बा आप सभी का मंगल करें। जय माता दी।